हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाही किचन। मैं हूँ स्मृति और आज हम बनाने वाले हैं करेले की बहुत ही चटपटी फिलिंग वाली सब्जी, जिसे आप मैंने करेला ले लिया है, आधा केजी के आसपास ये करेला है, जिसे मैंने अच्छे से दो टुकड़ों में काट लिया। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसे तीन टुकड़ों में भी काट सकते हैं और अच्छे से इसके बीज चेक कर लें कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, ये ख़राब ना हो। और अगर आप चाहें तो ये सीधे से भी बीज से भी कट लगा सकते हैं, पर मैंने इसको सीधे सीधे कट लगाया है। इससे क्या होता है कि इसकी जो हम फिलिंग करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से इसके अंदर फिलिंग फील होती है और ये निकलती भी नहीं है फिलिंग इजीली। तो मैंने सभी को अच्छे से टिप और बॉटम को काट के वॉश करके और फिर मैंने इन सभी को एक कुकर में ले लिया है और कुकर में हम इसके अकॉर्डिंग एक ग्लास पानी डालेंगे। एक ग्लास पानी डाल के हमें एक सीटी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आप चाहें तो अपने करेलों को ब्लांच भी कर सकते हैं, बट मैंने एक सीटी लगा लिया है, इससे ये ज़्यादा कुक नहीं होते, अच्छे से ये ब्लांच हो जाते हैं। फिर मैंने इसकी जो स्टफिंग होती है भरने के लिए वो तैयार किया, उसका मसाला तैयार कर रही हूँ मैं, जिसके लिए मैंने लिया है दो बड़े साइज़ के प्याज, थोड़े से लहसुन की कली, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च, और इसे हम कच्ची कैरी के साथ फिलिंग जो है वो बनाएंगे, जिससे बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनकर आएगी। जो नहीं भी खाते हैं ना, वो भी इसे उंगलियां चाट कर खाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत चटपटी सब्ज़ी बनती है। तो सबसे पहले मैंने जो प्याज थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मिक्सी जार में हम इसे पीस लेंगे, अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो प्याज को पीसने के बाद हमने जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च थी उसको भी इसके अंदर ले लिया है। आप हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च और डाल लें, क्योंकि इतनी हरी मिर्च है ना, ये बिल्कुल भी मतलब तीखी नहीं होगी, क्योंकि हम इसके अंदर जब कैरी डालेंगे तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। हम इसके अंदर अभी रेड चिली भी यूज़ करेंगे और इसके साथ ही मैंने लिया है 1 चम्मच सरसों के दाने हैं, ये नॉर्मल जो मस्टर्ड सीड होते हैं ये वही हैं, मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड सीड लिया है। इससे क्या होगा, जो हम सारी चीज़ें बना मिक्स कर रहे हैं ना इसके अंदर, ये इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर डालेगा। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट आप अगर डालेंगे तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसके साथ ही हम दो बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे, जिन्हें मैंने अच्छे से कट करके और ले लिया है। ये बीज का पार्ट हटा दें टमाटो का, जब भी आप यूज़ करें, ये बीज का पार्ट जो होता है ये स्टोन वाला पार्ट होता है, तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। तो बीज का पार्ट इसे रिमूव कर दें अच्छे से, देन आप टमाटो को अच्छे से कट करके और इन सबको हम अच्छे से इसको पीस कर इनका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है, जिससे हमने सरसों भी डाला है तो ये अच्छे से पिस जाए। सरसों पिसने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है और चीज़ों के अकॉर्डिंग, तो हमें इसे थोड़ी ज़्यादा देर तक इसे अच्छे से पेस्ट बना पीसना है। और देखिए हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, मैंने इसे एक प्लेट में रिमूव कर लिया है, सारे पेस्ट निकाल लिया। देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन के आया, बिल्कुल नहीं लग रहा है इसमें हमने सरसों डाला है, सरसों अच्छे से पिस गया है इसके अंदर। सभी चीज़ों को अच्छे से निकाल कर अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो हमने जो करेले उबालने के लिए रखे थे गैस पे, वो से एक सीटी आ गया है, प्रेशर को अच्छे से रिमूव कर देंगे। करेले को निकाल के हम अच्छे से ठंडा कर लिया है, देखिए मेरे करेले बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए। अब मैं इसमें से सीड्स को रिमूव करूँगी। मैंने एक बटर नाइफ लिया है देखिए, और ईजिली इसको रोटेट करेंगे ना बटर नाइफ को, तो ईजिली इसमें से सीड्स अपने आप रिमूव हो जाएगा। और अगर आपने बीज से कट लगाया है सीधे से, तो फिर आप इजीली निकाल सकते हैं, बट मैंने ऐसे कट लगाया तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने एक लिया है, ऐसे एक करेला लिया, आप नॉर्मल इसके अंदर और इसे धीरे 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 अंदर को लेते जाएं और इसको रोटेट करते जाएं, सारे सीड्स ईजिली निकल के आ जाएंगे, क्योंकि ये बॉयल हो चुका है तो सीड्स जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं तो ईजिली निकल आएंगे। और इन सीड्स को ना सभी को हमने अच्छे से रिमूव कर लिया, और इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है, हम इनको भी यूज़ करेंगे इसकी स्टफिंग में। अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के, ऑयल जब गर्म हो गया है तो हमें अपने सारे जो बॉयल वाले करेले हैं उन सभी करेलों को इसके अंदर डाल देना है। मैंने इसे सैलो फ्राई किया है, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट इसे फ्राई अच्छे से करें, जब भी करें इसको चारों साइड से अच्छे से हमको बिल्कुल गोल्डन होने तक पकाना है। और इसे तब तक छेड़ना नहीं है, इसे ज़्यादा अल्टे पलटे नहीं, क्योंकि ये बॉयल है तो ज़्यादा अल्टे पलटेंगे तो ये टूट सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसको इजी वे में बिल्कुल आराम से, जब ये एक साइड से सिक जाए 2 से 3 मिनट बाद, तब हल्के हाथों से इसे देखिए, जब एक साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है तो मैं इसको पलट रही हूँ।
आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आप डीप फ्राई भी कर रहे हैं तब भी आप ऐसे ही कीजिए, जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए देन आप उसको रोटेट कीजिए और दूसरी साइड से फ्राई कीजिए। इस तरह से रोटेट कर कर के माने करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि इन पर अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए और जी चारों साइड से अच्छे से सिक ना जाए। इनको सिकने में लगभग 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, लो ना करें, और हाई करेंगे तो हमारे जो करेले हैं वो जल जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हमको इसे 2 से 3 मिनट एक साइड, फिर 2 से 3 मिनट, फिर इस तरह से रोटेट कर करके इसे सारे साइडों से अच्छे से हमें पका लेना है। देखिए मेरे करेले चारों साइड से अच्छे से पक गए हैं। अब मैं एक एक करके इनको अपनी प्लेट में निकाल लूँगी। सभी को ईजीली हमने निकाल लिया है और इतना ही गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। इससे क्या होगा, जो करेले का बिटरनेस है वो इसके अंदर नहीं आएगा और ये करेले के ऊपर की जो परत है वो बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगती है खाने में। इसको निकालने के बाद सेम पैन में हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून और ऑयल डाल देंगे और इसमें आप ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है। थोड़े से हमने इसमें जीरा डालना है, जब ऑयल गर्म हो जाए तो हमें जीरा डालना है। जीरा के साथ ही हमें इसमें थोड़ा सा हींग यूज़ करना है और इन दोनों को आधे मिनट के लिए हमें भून लेना है। जब ये आधे मिनट भून जाए तो हमने जो पेस्ट तैयार किया था प्याज अदरक लहसुन टमाटर का उसको इसके अंदर ऐड कर देना है। जो हमने पेस्ट तैयार किया था इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। गैस के फ्लेम को इस समय आप लो कर लें। पेस्ट को अच्छे से भूनिए। आप गैस के फ्लेम को आप मीडियम रखेंगे और पेस्ट को लगातार चलाते हुए आपको भुनना है। जब ये हल्के से भुन जाएंगे और इनमें से जो वाटर है वो अच्छे से सूख जाएगा और ये अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। इसे भुनने में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। ये इसे आप आराम से 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है आपको और लगातार चलाते हुए ही भुनना है। मसालों में अच्छा क्रंच आता है जब इसे आप लो मीडियम फ्लेम पे भुनते हैं। लो फ्लेम पे इसमें सॉफ्टनेस हो जाती है तो इसलिए आप मसालों को फ्राई करते टाइम इसकी फिलिंग के लिए जब मसाला तैयार कर रहे हों तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही पूरा काम करना है। देखिए अब ये हमारा कलर हल्का सा चेंज हो गया है और हमारे ये मसाले भुन गए हैं। तो हमने जो ये करेले के बीज रखे थे ना और ये कच्ची कैरी रखी थी मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अच्छे से पीस के मिक्सी में हमने पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम अपने बेसिक मसाले भी ऐड करेंगे। जब ये पेस्ट हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है और इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हमने अच्छे से इसको सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब हमें तब तक भुनना है इसे जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। देखिए ये भुन रहा है पर इसे और 2 मिनट भुनेंगे क्योंकि इसमें से अभी ऑयल रिलीज नहीं हुआ है। ये अच्छे से भुन गया है, इसे भुनने में लगभग 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है। आराम से तसल्ली से भुनिए। और हमने गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लिया था जब इसमें से ऑयल रिमूव हो गया था। ये ठंडा कर लिया है हमने अच्छे से। ठंडा होने के बाद हमने जो करेले लिए थे उसमें अच्छे से इसको फिलिंग को दबा दबा कर अच्छे से फिंगर की हेल्प से अच्छे से दबाइए और अच्छे से दबा दबा कर सभी फिलिंग को हमने करेले के अंदर फिल कर लेना है। आप अगर हाथ का यूज़ नहीं कर सकते तो इस तरह का एक नाइफ ले लें और इससे प्रेस कर कर के अंदर देखिए अच्छे से प्रेस हो रही है और इसकी फिलिंग को अच्छे से आप इसके अंदर फिल कर लें। जब आप इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हो ना तो मसाला जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। मसाला ड्राई होगा तो आप इसको लंबे समय तक के लिए भी रख सकते हैं। आप इसे 2 दिन आराम से रख कर खा सकते हैं, किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तब भी ये ख़राब नहीं होगा और ये बहुत ही चटपटी बनकर आई है। तो इसे बच्चे जो नहीं खाते करेले वो भी बहुत टेस्ट के साथ खाएंगे। तो अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बगल में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।
देखिए इस तरह से ना मैंने सभी करेलों को आराम आराम से अच्छे से फिल कर करके, सभी को अच्छे से प्रेस कर करके अच्छे से फिलिंग को अच्छे से फिल कीजिए। और इन सभी करेलों को फिल करने के लिए इतनी फिलिंग मैंने इनफ थी। देखिए मैंने सभी को फिल कर लिया है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।